नमस्कार व्यूअर्स, जो आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज हम लोग उन पांच टीमों के बारे में बात करेंगे जिनके चांसेस सबसे ज्यादा है स्नैपड्रैगन कॉन्क्वेस्ट फ्री फायर प्रो सीरीज जीतने का। देखो टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो आज ही एडिट करके डाल दूं या फिर कल सुबह तक डाल दूंगा। माफ करना भाई लोग, क्योंकि खुद मैं ही एडिट करता हूं वीडियो से, ठीक है। पहले तो मैं आप लोगों को फाइनलिस्ट दिखा देना चाहूंगा कि कौन सी टीम्स क्वालिफाई हो गए हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स है, 4 अननोन है, टीएचजी है, टीम एलीट है, आइकॉनिक है, हेड हंटर्स है, पीवीएस कैमन, टोटल गेमिंग देसी गेम, ठीक है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो चीज बोलना चाहूंगा, वो है कि देखो 12 के 12 टीम्स यहां पे विनर्स हैं एंड ये चीज मैंने फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप के लिए भी कहा था, यहां पे भी मैं सेम ही चीज कहूंगा, क्योंकि वो वहां पे एक दिन था, यहां पे दो दिन, 12 मैचेस और 12 टीम्स। जो भी टीम बेस्ट फ्री फायर खेलेगा और प्रेशर हैंडल करेगा वो टीम जीत के लेके चली जाएगी। पहला ऑप्शन मेरे लिए होगा ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स। क्यों? क्योंकि देखिए ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स ने पूरा जो लीग स्टेज था डोमिनेट किया। आई थिंक फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप में बहुत अच्छा खेला उन्होंने। हाँ, हालांकि फाइनल्स में जाके थोड़ा सा प्रेशर में क्रम्बल हुए, उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ, बट आई स्टिल एक्सपेक्ट कि जब स्नैपड्रैगन की बात आती है वो इधर एक अच्छा परफॉर्मेंस शोकेस करेंगे, उनके जीतने के चांसेस अभी ज्यादा है। सेकंड आता है टीम एलीट। कोई डाउट ही नहीं, कोई दोहरा ही नहीं होनी चाहिए इस टीम के पीछे, क्योंकि ये टीम ने जिस तरीके का मेहनत किया है पिछले जब से गेम आया, क्योंकि साथ साथ खेलते हुए आ रहे हैं और अभी जाके उनको वो रिवॉर्ड मिला है जब उन्होंने पिछले हफ्ते संडे को फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप जीता। सो ऑब्वियसली उनको तो मेरे लिस्ट में रखना ही है, तो वो हो गए सेकेंड टीम। थर्ड आता है देसी गेमर्स। क्यों मैं देसी गेमर्स को रख रहा हूँ, आप मैं बोलता हूँ देसी गेमर्स, मैं कह सकता हूँ मैंने नेमेसिस के लिए इस बात कही थी कि वो डार्क हॉर्सेस थे, बट अभी फाइनल्स में देसी गेमर्स विल बी द डार्क हॉर्स। वो कुछ भी कर सकते हैं, आपने इंडिया चैंपियनशिप में देख लिया होगा आखिरी दो गेम्स में कैसे उन्होंने पूरा निकाल लिया। एंड नई टीम है, रॉ टैलेंट है इनमें, फायर पावर की कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा मैच्योरिटी चाहिए होगा एंड इग्नाइट एंड उनकी टीम में जरूर से सॉल्व आउट एंड सम अप करके एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं इस बार स्नैपड्रैगन कॉन्क्वेस्ट फ्री फायर प्रो सीरीज में। चौथा आता है पीवीएस और द थर्ड पार्टी स्पेशलिस्ट जिसे हम कहते हैं पीवीएस। मेरे दोस्त, तो पीवीएस आई थिंक एक पॉइंट से इंडिया चैंपियनशिप तो हार गए, बट स्नैपड्रैगन कॉन्क्वेस्ट पे वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस करना चाहेंगे। हम लोग इंस्टाग्राम पे मैं और ब्लैकबेट लाइव कर रहे थे, तो उन्होंने पीवीएस ने बोला था वहाँ पे कि हम लोगों ने सोचा था कि टारगेट रखा था कि फोर्थ या फिर थर्ड पोजीशन तो एटलीस्ट वो एशिया चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई होना है, वो हो गए, बट अल्टीमेटली वो ऑलमोस्ट जीतने के कगार पे आ चुके थे। शायद से अगर वो लास्ट के दो मैचेस उनका अच्छा जाता तो वो जीत जाते, बड़ा लेट्स नॉट गो देयर। PVS मेरा चौथा ऑप्शन होगा एंड आप लोगों को रीजन पता है कि क्या शानदार परफॉर्मेंस एंड रन रहा है योगी, नोबिता, इको, मतलब बहुत ही अच्छे फ्रैगर्स है एंड एक टीम वर्क, एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है इनकी टीम में जो कि देख रहे हैं बहुत अच्छा है। एंड फिफ्थ, थोड़ा सा मैं फिफ्थ को लेके मैं बोलूँगा ड्रॉ है, वो है टोटल गेमिंग एंड हेड हंटर्स। क्योंकि देखिए टोटल गेमिंग मैं मानता हूँ कि एक तो पुरानी चावल है हमारे कम्युनिटी के, ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस खिलाड़ी है फौजी अजय माफिया बाला और माफिया और डिलीट रॉ टैलेंट जिसे हम कहते हैं। हालांकि डिलीट की तरफ से अभी भी मुझे वो स्ट्रॉन्ग जो डिलीट वाला परफॉर्मेंस हम जानते हैं वो देखा नहीं है स्नैपड्रैगन के दौरान। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये फाइनल्स के दो दिन वो उभर के आएंगे और बहुत ही अच्छा खेलेंगे। और हेड हंटर्स क्यों? क्योंकि हेड हंटर्स एक अंडर रेटेड टीम है एंड जब भी किसी टीम को अंडर रेटेड का टैग दिया जाता है ना वो परफॉर्म करती है, चाहे कुछ भी बोल लो वो परफॉर्म करती है, उन्होंने प्रूफ भी किया है। शायद से मैं और ब्लैकबेरी कास्टिंग डेस्क पे बात कर रहे थे कि यार हेड हंटर्स को अगर हम बोलते कि वो फाइनल्स में डायरेक्टली क्वालिफाई करें क्या आप विश्वास करते? शायद नहीं, बट वो फाइनल्स पे है भी अरे भी, अब मैं ये भी बोल रहा हूँ कि वो जीतने के चांसेस होल्ड करें। तो ये है मेरे पांच टीम्स, क्योंकि मैंने टोटल गेम 6 टीम्स एक्चुअली, क्योंकि मैंने फिफ्थ पोजीशन पे हेड हंटर्स और टोटल गेमिंग को ड्रॉ करा दिया है। आप लोगों के चॉइसेस बता दो कमेंट सेक्शन में यार, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो एंड ऑब्वियसली यार एक काम करते यार, ये स्नैपड्रैगन कॉन्क्वेस्ट खत्म होने तक ना मेरे 2K करवा दो यार, 2K सब्सक्राइबर्स गोल का टारगेट रखते हैं। तो फटाफट जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब पहले कर देना, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट्स आप लोगों के लिए लाता रहूंगा एंड ऑब्वियसली फीडबैक जरूर से देना एंड आपका कमेंट्स बताना कि आपके हिसाब से कौन सी टीम सबसे ज्यादा डिजर्विंग है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी या।